तो भाई रजब भाई की होगी ये निकाह की डेट फिक्स। तो ब्लॉग कर रहे हो आप, मैं नहाया नहीं हुआ सुबह। नहीं पीछे देखो, पीछे पीछे देखो, पीछे हर बार लेके आएगा मिठाई। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक हो गया भाई एक नए ब्लॉग के अंदर। आज का ब्लॉग हो गया स्टार्ट, तो भाई जल्दी जल्दी से जाएं जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और भाई बेल आइकन को करें हिट, ताकि मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो भाई जैनब को छोड़ने जा रहा हूं मैं सुबह स्कूल। बेसिकली भाई आज मैं था फ्रेश, तो मैंने कहा चलो ब्लॉग भाई करते हैं स्टार्ट। तो भाई ब्लॉग हो गया स्टार्ट, जैनब को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। जैनब भाई अभी आ रही है बाहर, तो भाई इसको छोड़ते हैं स्कूल। इसका भाई सुबह सुबह उठने का दिल नहीं जाता, ये कहते जी मुझे सुबह सुबह स्कूल ना भेजा करें। हैं क्यों? और आपका स्कूल अब जो है दोपहर में लगवा दें 2 बजे 3 बजे, ताकि मैडम 2 बजे उठे, फिर उठ के तैयार हो और स्कूल जाए, और शाम को 7 बजे स्कूल से वापस आए। रात को इसको मैं इतना कहता हूँ कि यार रात को जल्दी सो जाया करो, रात को जल्दी सो जाया करो, यही कुछ 7 बजे सो जाया करो। भाई करते करते फोन थोड़ा थोड़ा भाई देखते 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 भाई ये 10 बजे आई थी, ऐसे ये 10-11 बजे आई थी ये। तो इसको फिर भाई जो है मसला था सुबह सुबह उठने में, और सुबह सुबह उठ के ये करती ड्रामे कि मैंने स्कूल नहीं जाना, मुझे करवा दो छुट्टी। बताए जरा बस आपकी क्यों लगवाओ भाई, ये स्कूल ये घर के पास स्कूल है, है? तो बस चाहिए। बस क्यों चाहिए? बस चाहिए, बस तो मुझे बस चाहिए। तो भाई ये स्कूल इसका पास है, तो भाई कहते जी मुझे बस लगवा दो। तो भाई वैसे भी जो है बस के हक में मैं हूँ नहीं, बच्चे शरारती होते हैं, एक दूसरे को दिक्कत दे दें, तो भाई फिर आएवी उल्टा पंगा पड़ा हो तो ज्यादा भी बच्चों को बस में जाती है, मैं उनके घर दूर है ना, उनके घर दूर है, उनके घर दूर है, आप घर बिल्कुल पास है। चलो चलो ठीक है, अभी आपको उसमें स्कूल छोड़ता हूँ, फिर मैं सीधे जाता हूँ शोरूम, जाके मैं फिर नई बस लेके आता हूँ, ठीक है? फिर मैं आपको बस पे लेने आया करूँगा, ठीक है? डैडी ठीक है, मैं चलो जी। जैना को छोड़ दिया मैंने स्कूल। यार वैसे बहुत वैसे अजीब यहाँ के लोग हैं, मतलब जो स्कूल में छोड़ने आते हैं अपने बच्चों को, यार हॉर्न पे हॉर्न देते रहते हैं, हॉर्न पे हॉर्न देते रहते हैं, ऐसे कोई जा ही लेना कसम से। इन लोगों को अकल मोदी नहीं कि एक बंदा अगर आपका वेट करे तो आप भी उस बंदे का वेट करो, ठीक है? हर बंदा अपने बच्चे को छोड़ने के लिए आया स्कूल, तो बस वो भाई गाड़ियों का रोब। ये भाई मिले मेरे शैतान से, टक 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 टक। भाई मैं घर आया हूँ, तो भाई घर आया हूँ, तो भाई ये उठा हुआ था ऐसे, इसने कंबल में से सर निकाला अपना, सर निकाल के मुझे कहता है रोने लग गए हैं, रोने लग गया एक्टर इंसान। और उठ के भाई जब मेरी गोद में आया, तो गोद में आके भाई बिल्कुल चुप हो गए। ये बहुत एक्टिंग करता है, ये बहुत एक्टिंग करता है, ऐसे ही टिट्टो हैं टिट्टो। ये भाई कैमरे के सामने मजूम बन गया, बड़ा शरारती है माशाल्लाह से, ठीक है, एक्टिव है, हर मोमेंट को समझता है मेरी, मतलब मैं अगर उठ के खड़ा हो गया हूँ तो उसका मतलब है ये समझेगा भाई मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? अगर मेरे हाथ में मतलब ये अगर मेरे हाथ में बैग देख लेगा तो उसे पता होगा भाई डैडी जा रहे हैं कहीं, और भाई अब कोई 3-4 घंटे बाद ही आएंगे, ऐसे ही है ना डीटो है? ये भाई मेरी सारी मूवमेंट को समझ गया है, और बड़ा ही बड़ा क्लेवर है माशाल्लाह, बड़ा क्लेवर है। पाई करो पाई करो, आज कुछ भाई मेरी चाय हो गई है तैयार, और पक पक के भाई काली हो गई है, चेक करिए यार। सुबह सुबह चाय पीने का ना बड़ा मजा आता है, चाय सुबह सुबह ये समझ लें कि भाई चाय पीना जरूरी है सुबह सुबह। तो भाई मैं बाहर निकला हूँ क्योंकि जैनब की जो है फरमाइश थी, जैनब को चाहिए थी डॉल्स, और उसके लिए भाई डॉल्स मंगवाई थी एक बंदे से, तो वो डॉल्स आ चुकी हैं शॉप पे, तो शॉप वाले का मुझे भी फोन आया है, तो मैं भाई निकला हूँ अब जाके जैनब के लिए लूंगा डॉल्स, क्योंकि ना उसने अपनी डॉल्स की ना कटिंग की है, कटिंग करते करते भाई उनकी टिंड कर दी है, तो भाई रोने लगी टिंड करके। तो आज स्कूल जाते जाते ना मुझे क्या है कि डैडी मेरी डॉल्स अभी तक आई हैं कि नहीं आई, तो यहाँ पे एक शॉप थी उसको मैंने ऑर्डर दिया था कि यार डॉल्स आपने मंगवा के रखनी है, तो आज जो है सुबह मुझे उसका फ़ोन आया अभी आधा घंटा पहले कि भाई आपकी डॉल्स आ गई हैं, तो आप आके रिसीव कर लें। तो भाई चलते हैं शॉप पर और जाके देखते हैं भाई कि डॉल जो है कैसी डॉल्स हैं और किस तरीके की डॉल्स आई हैं। भाई मैं शॉप पर आ गया हूँ, तो अब जाके भाई देखते हैं डॉल, और जो है रश है ज़रा, रश ज़रा ख़त्म हो ले दुकान पर, फिर भाई मैं जाता हूँ। तो भाई डॉल्स आ गई हैं, जैनब की भाई को ऑर्डर दिया था, तो डॉल्स भाई लेके आए हैं, मैं दिखाता हूँ डॉल्स आपको। की करना है? इनकी डॉल्स है यार 350 के अंदर, मैं कहा मैं होने नहीं देता। सर जी क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? सर जी ये डॉल्स दे दें, एक वो वाली दे दें ऊपर वाली, और एक ये वाली दे दें पिंक वाली।
नहीं नहीं ये नहीं लेनी, और एक यहाँ पे जो है नीले रंग की पड़ी है वो पीछे वाली, नहीं नहीं ये हाँ ये वाली, हाँ ये वाली। पकड़ो भैया डॉल भाई ले लिए जैनब के लिए, मैंने दिखाओ जरा यार। ये भाई एक डॉल ये है पिंक कलर की, इसके साथ इसके जूते बूते मतलब पूरी एक्सेसरी है इसकी। और एक डॉल भाई एक सेकंड में मोर काट लूँ, यू नो गाड़ी को चरीट बज। एक भाई एक डॉल ये है, तो भाई अब जैनब स्कूल से आएगी तो भाई उसको दूंगा सरप्राइज, तो भाई वो जैनब का रिएक्शन भी दिखाऊंगा आपको। जैनब का भाई छुट्टी का टाइम हो गया स्कूल का, अब मैं लेने जा रहा हूँ स्कूल, और भाई स्कूल से लेके उसको उसकी डॉल्स दिखाते हैं और देखते हैं भाई ये सरप्राइज कैसा लगता है उसको और क्या रिएक्शन उसका आता है। डॉल क्या करनी है आपने डॉल, अगर मैं चुटकी बजाऊं वो डॉल आ जाए, अगर मैं चुटकी बजाऊं वो डॉल आ जाए फिर नहीं होगा, लैग यू नहीं होगा, फिर करो। अगर मैंने कर दिया तो करो अगर मैंने कर दिया तो करो अगर मैंने कर दिया तो करो चलो ठीक है पीछे देखो पीछे पीछे देखो पीछे कैसी लगी आई सरप्राइज जैनब के लिए सरप्राइज कैसी लगी बहुत अच्छी दिखाओ दोनों दिखाओ अच्छा जी ब्लू वाली प्यारी है या पिंक वाली प्यारी है रियाजा भाई जैनब को सरप्राइज दे दिया है डॉल्स का और जैनब को भाई फाइनली डॉल्स बड़ी पसंद आई है ऐसे ही है यस चलो ठीक हो गया फिर मेरे चैनल के लिए कुछ कहना है कि नहीं कहना तो जबरदस्त हो गया भैया आपने सुन लिया मेरी बेटी ने क्या कहा तो भाई प्लीज मेरी बेटी के लिए सब्सक्राइब कर दें यार। तो भाई रजब भाई की होगी निकाह की डेट फिक्स, तो भाई मैं जा रहा हूँ रजब भाई की तरफ उनको मुबारकबाद देने के लिए, उनका भाई मुंह मीठा करवाऊंगा, पहले लूंगा उनके लिए मिठाई तो फिर जाऊंगा भाई उनकी तरफ और जाके भाई उनका कराऊंगा मुंह मीठा। भाई चलते हैं और देखते हैं भाई रजब भाई का रिएक्शन क्या होता है। तो भाई मैं जो है रजत भाई के घर आ गया हूँ और भाई अब उनका कराऊंगा मुंह मीठा। रजत भाई बाहर बैठे हुए हैं ग्राउंड में, तो उनसे मिलते हैं और उनका भाई कराते हैं मुंह मीठा। तो भाई वो सामने बैठे हुए हैं ठीक है, तो भाई चलते हैं उनके पास और जाके भाई उनका मुंह मीठा करवाते हैं, उनको निकाह की जो है मतलब उनकी निकाह की डेट फिक्स होने की मतलब मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह का शुक्र आप सुनाए आप ठीक ठाक हैं तबीयत ठीक है भाई। पहले तो जो है पाँव पे आपके क्या हो गया भाई? ये ना वेन प्रेस हो गई आपको, वेन प्रेस हुई हमारी सोसाइटी का पानी नहीं आ रहा था। अच्छा तो अम्मा ने कहा कि जाओ बाहर नलका लगा हुआ है। अच्छा वहाँ से बाल्टियाँ दो भर के लाओ। अच्छा कर गया था अपने। अच्छा तो सर अब बेहतर है? अब दो पानी की बाल्टियाँ बढ़िया और चले सर अल्लाह पाक से। सर पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके निकाह की डेट फिक्स हो गई है, बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका मुंह मीठा करवाऊंगा ठीक है? आपको हर बार लेके आएगा मिठाई, इतनी मिठाइयाँ लाएगा। थैंक यू अम्मा, गई है बाजार वरना अम्मा को मिठाई देते, असल हकदार तो वो है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर बिल्कुल, माँ बाप ही होते हैं। ब्लॉक कर रहे हो आप? मैं नहाया नहीं हुआ तो बस। नहीं नहीं सर आप उसके बगैर ही सर जी अच्छे हैं आप, मान लेते। थैंक यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। ये था जी लग रहे हैं सर, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया भाई। बेटा आप भी लो, एक पूरा ले लो, पूरा ले लो। ये भाई जो है वेट हो रहा है माँ जी का, तो माँ जी आती हैं तो भाई माँ जी का भी जो माँ जी का भी जो है मुंह मीठा करवाते हैं, तो फिर मुंह मीठा करवा के भाई निकलते हैं क्योंकि जो है रजब भाई जा रहे हैं शादी पे, तो ये कि फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे के साथ। ये कर रही हूँ मैं, कर रही हूँ पेंटिंग वो भी अपना। ये कैसी पेंटिंग है? मतलब डैडी भाई मैं मम्मा आपने इस पानी में हाथ नहीं मारना
ये तू उसे बता रहा है ये पानी में, ये तू उसको नहीं भी पता तो तू उसको उसका ध्यान वहां पे लेके जा रहा है कि पानी में हाथ नहीं मारना, देख लो भाई। हाँ बीटो पानी में हाथ नहीं मारना, ठीक है? कितना पानी अभी अभी बैठेगा। फाइनली भाई करते हैं व्लॉग का एंड। भाई आज छापा मारा हमने रजब भाई के घर, तो भाई उनकी वालदा का वेट कर रहे थे। बेसिकली उनकी वालदा जब घर पे आई है, मतलब माँ जी जब घर पे आई है, तो भाई घर पे उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, उनकी जो है रजब भाई की खाला मामू वो भी आए हुए थे, तो भाई इनके साथ व्लॉग नहीं बना सका, अच्छा नहीं लगा मुझे, तो इसलिए भाई बस बैठे खाया पिया और भाई जो है माँ जी का और बट साहब का मुँह मीठा करवाया और भाई फिर वहाँ से चल दिया। तो भाई लिया आज का व्लॉग यहीं पर होता है ख़त्म। आपसे मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में। भाई जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस भाई, ताकि मेरी नोटिफिकेशन से आप लोग दूर मत रहें। तो आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय।